हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में रद्द हुए वोट के मामले में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा का कहना है कि बीजेपी और कुछ विधायकों पर पेन बदले जाने के आरोप पूरी तरह से गलत हैं। डॉक्टर चंद्रा ने कांग्रेस विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला पर साजिश करने का आरोप लगाया। राज्यसभा के चुनाव भले ही संपन्न हो गए हों, लेकिन हरियाणा में स्याही की सियासत लगातार सरगर्म है। राज्यसभा चुनाव के दौरान रद्द हुए वोटों के मामले में शनिवार को सुनवाई हुई। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने वोट कैंसिल कराने का आरोप कांग्रेस विधायक रणदीप सुरजेवाला पर लगाया। शायद सुरजेवाला जी का ही कुछ कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। उन्होंने पहले तो अपना वोट रिजेक्ट करवाया जानबूझ के, उसके बाद वीडियो में बड़ा साफ है कि वो सारे कांग्रेस MLA से वहाँ पे बात कर रहे थे जब वो वोट डाल रहे थे। वो क्या बात कर रहे थे उसका खुलासा करने के लिए हमने डिमांड की है। इससे लगता है कि उन्होंने ही कॉन्स्पिरेसी की, ना कि कोई बीजेपी या मेरे लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की। डॉक्टर चंद्रा ने पेन बदलने के बीजेपी विधायकों पर लगाए गए विरोधियों के आरोपों को गलत बताया। डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि चुनाव के दौरान बदले हुए पेन को हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला ने ही जाहिर किया था। एक पेन जो वहाँ पे 10 वोट डलने के बाद मिला था, उसको जाहिर करने वाला आदमी भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट सुभाष बराला थे, ना कि कोई इनेलो या उसके आदमी थे। डॉक्टर चंद्रा के मुताबिक इनेलो और कांग्रेस के उम्मीदवार किसी भारी को वोट देना नहीं चाहते थे और ये उसी का नतीजा है। जो एस्टैब्लिश ये किया गया कि कांग्रेस और इनेलो के दोनों के MLA एक हरियाणा के बाहर के प्रत्याशी को वोट देना नहीं चाहते थे, वो मेरे को ही वोट देना चाहते थे, उसी का ही एक ये नतीजा है, ना कि किसी और के द्वारा पेन बदलने का या कुछ करने का। गौरतलब है कि 11 जून को हरियाणा में हुए राज्यसभा चुनाव में दूसरी सीट पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने INLD और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार RK आनंद को हराया था। रविंदर सिंह के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़।